Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम टू कैसे हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने आधार से ईकेवाईसी कहीं पर भी करानी है। दोस्तों, आपको सब जानते हैं कि आपके आधार कार्ड नंबर कितने ज़्यादा लीक हो रहे हैं आजकल, तो ऐसे में आप अपनी वर्चुअल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं और अपने आधार नंबर को काफ़ी हद तक सेफ रख सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, उससे पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल कैसे हेल्प सब्सक्राइब नहीं किया तो भी रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करना है और यहाँ पर आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको आ जाना है। आपको जैसे ही आप यहां पर आएंगे आपको मैं इसी पेज का लिंक दे दूंगा, तो आपको सबसे पहले यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको डालना होगा अपना आधार कार्ड नंबर। उसके बाद आपको यहां पर ये कैप्चा फिलअप करना होगा और यहां पर सेंड ओटीपी। जैसे ही कोई भी ओटीपी यहां पर आएगा तो उस ओटीपी को आपको डालना है यहां पर। तो चलिए, पहले तो मैं यहां पर इतना ही प्रोसेस यहां पर कंप्लीट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर डाल लेता हूं अपना आधार कार्ड नंबर, उसके बाद डाल देता हूं यहां पर कैप्चा और यहाँ पर सेंड ओटीपी। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी यानी कि वीआईडी यहाँ पर जब भी जनरेट कर सकते हैं जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर हो। अगर आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर जो ओटीपी है वो कहीं पर भी नहीं आएगा और आपका जो वीआईडी है वो भी क्रिएट नहीं होगा। तो गाइस, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर अपने आधार कार्ड से लिंक करा है उस पर एक ओटीपी आया है यानी कि वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर आया है। तो चलिए, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। और गाइज, उसके बाद अगर आपने अभी तक यहाँ पर वी आई डी जनरेट नहीं की है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जनरेट वी आई डी और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी वी आई डी जो नंबर है ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो गाइज, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल से एक यहाँ पर मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर वी आई डी नंबर सक्सेसफुल्ली जनरेटेड। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने आधार कार्ड को यहां पर कुछ प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो आप वर्चुअल आई डी का यूज़ ज़रूर करें ईकेवाईसी को कंप्लीट कराने के लिए। गए तो गाइज, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल कैसे हेल्प को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।